हेलो दोस्तों दोस्तों आज दी वीडियो विच आपां गल करांगे कि आपां पंजाब विच विधवा पेंशन किवें लागू करवा सकते हैं ते इसका फॉर्म आपां कित्थों डाउनलोड करना पवेगा ते की स्टैप इस नूं अप्लाई करन दे होणगे अते इह फॉर्म किवें फिल करना है। दोस्तों पूरी डिटेल विच तुहानूं इह गल दस्सांगा ते एक रिक्वेस्ट है, जे साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तां प्लीज़ साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो, तुहाडे सपोर्ट दी जरूरत है। जे मैं तुहाडी हैल्प कर रहा किसी भी तरह तरीके दी तां बस होर कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा एक टच बटन सबसक्राइब से मन मंगदा जिस नाल थोड़ा बेनीफिट मैनू भी मिल जाए तो थोड़ा भी मिल जाए। तो ओके दोस्तों ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना कर दें, मेन गल तो आने हाँ। तो दोस्तों इस तरह का फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी तुम्हें दसागा तुम कितों डाउनलोड कर सकते हो तो किमें यह भर सकते हो। पहले आप गल कर लें फॉर्म आप किमें भरेंगे, तो दोस्तों सब तो पहले आपको व्यक्तिगत वेरवा देना पड़ेगा, अर्जी फॉर्म भरने वाले व्यक्ति का वेरवा। ओके दोस्तों तो इस जिन्हें लिए आप फॉर्म भर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं पेंशन का, उसका आप नाम लिख लेंगे तो उसका एड्रेस, तो जो ये फॉर्म भर रहा है इतने नॉर्मली खुद लिख दो आप कि मैं खुद भर रही हाँ। तो इस तो बाद अपनी सैल्फ अटेस्ट फोटो, मतलब कि अद्धे सैन अपने फोटो तो होने चाहिए तो फॉर्म से होने चाहिए है। तो इस तो बाद जो लाभपात्री व्यक्तिगत डेटा होंगे इतने फिर आप नाम भर लेंगे, तो उत्तर फीमेल क्लिक कर लेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ जे तुम्हें पता है नॉर्मली गलत जिन्हें उपर स्टार लगे आप चेक कर सकते हैं, जिन्हें के पिछले स्टार लगे वह भरने लाजमी हैं, जे ये उपर स्टार नहीं लगे आप छड़ भी सकते हैं, जिस बाकी आप भर भी देवे तो कोई बड़ी गल नहीं है, नॉर्मल आपको पता ही होंगे है। तो इस तो बाद आप जन्म स्थान भरना है कि जन्म कितने हुए है जिन इन्हों का, तो इन्हों फादर नेम तो मदर नेम, उस बाद एड्रेस। ओके दोस्तों बाकी पिन कोड भर लेंगे उरे, तो अपना डिस्ट्रिक्ट, इस तो बाद जो ब्याह संबंधी आप जो विडो लिख देंगे भी पति की डैथ हो गई है, तो पति का नाम लिख देंगे अपना, तो उस बाद ईमेल एड्रेस जो थोड़े को कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर लाजमी है अपना लिखना उन्हें। इस बाद वोटर आई डी के उपर एक नंबर होंगे है जो वो आप उन्हें लिख देंगे, उस तो बाद आधार कार्ड का यू आई डी नंबर होंगे वो लिख देंगे, इस तो बाद जा आधार कार्ड के एक एनरोलमेंट नंबर भी होंगे इन्होंने एक लिख सकते हैं आप कोई भी लिख लिख दो। ओके दोस्तों इस तो बाद आप नीचे आने पार्ट टू तो आने सर्विस डिटेल एप्लीकेशन नंबर अर्जी नंबर ये छड़ दौ, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन जिदे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो मतलब कि सुविधा केंद्र भी जमा कराने हैं उद्दे की आप डेट आप भर देंगे, इस तो बाद आप सुविधा केंद्र से क्लिक कर लेंगे, तो प्रोसैसिंग ऑप्शन आ भी छड़ दौ, तो एप्लीकेंट का नाम अपना जिन्हों का फॉर्म भर रहे फिर आप नाम लिखना पो, उन्हों का एड्रेस फिर तो लिखना पो, तो बिना गेट का लाभपात्र रिश्ता मतलब कि जो नाम फॉर्म भर रहा है एप्लीकेशन रिलेशन विद बेनीफिशियरी जो खुद लिख दो, इतने खुद आप खुद भर रहे फॉर्म तो खुद लिख देंगे। दोस्तों इस तो बाद जो राष्ट्रीय परिवार हितकारी योजना होंगी है, तो मृतक का नाम जिन्हें डैथ हो गई है मतलब कि जिन्हों का आप फॉर्म भर रहे उन्होंने घर वाले की डैथ की आप डिटेल लिखनी है, आप उन्होंने पति का नाम लिख लेंगे जिन्हें डैथ हो गई है, उस तो बाद इंग्लिश लिख लेंगे, पहला आप पढ़ सकते मृतक का नाम इंग्लिश इंग्लिश लिख लेंगे, उस तो बाद पंजाबी लिख लेंगे। ओके उस तो बाद आप फादर या हसबेंड जो उन्होंने पिता की डैथ हुई है ज पति की तो आप लिख लेंगे हसबेंड की डैथ, पति का नाम लिख लेंगे मतलब कि वाइफ हसबेंड लिख के उन्होंने पति का नाम लिख लेंगे, इस तो बाद पंजाबी लिख लेंगे, ठीक है नॉर्मल जी डिटेल है दोस्तों आप नॉर्मल पंजाबी इंग्लिश दोनों में लिखे आप पढ़ के आराम लिख सकते हैं, एज टाइम ऑफ डैथ मौत दे समय उसका उस उम्र कितनी सी, उम्र लिख देंगे जिनी भी 36-35 साल नॉर्मल अपनी होंगी सी, तो उस हिसाब न डैथ मौत की मिति तरीक लिख लेंगे आप कि तरीक न उन्होंने डैथ हुई है। दोस्तों हम जो नैक्सट पेज है ये बाकी जो तुम भरना चाहो तो भर दो, बाकी ना भरों फिर भी चल जाता है, आपको बीपीएल कार्ड का लिखना, आप पहला नंबर लिखना होंगे बीपीएल कार्ड का अपने लेफ्ट साइड होंगे बीपीएल कार्ड पर, आप चेक करेंगे तो वो लेफ्ट साइड आप मिल जाता है नंबर 4 अक्षर का होंगे आप भर देंगे। दोस्तों जारी होने का स्थान तो बीपीएल कार्ड अपना कितों बनया, अपना राशन कार्ड जो होंगे तो उसका आप एरिए नाम लिख लेंगे कि इस पिंड तो बनाया जा इस शहर तो बनाया, फैमिली आई डी परिवार की आई डी नंबर ये छड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बाद आप जो जरूरी डाकूमेंट लगाने उन्होंने इन्होंने वेरवा दिता गया है कि इस विच मौत का सर्टिफिकेट मतलब कि हसबेंड की मौत का सर्टिफिकेट की कापी होना लाजमी है जरूरी है,
ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫੋਰਮ ਭਰਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਭਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਸੀ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਭਰੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, punjab.gov.in, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਰੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੋਰਮਸ, ਫੋਰਮਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਫੀ PDF ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ